हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई आज है हमारा ओरिएंटेशन कोर्स डे टू। तो आज मैं सही टाइम पे उठा हूँ और 6 बज रहे होंगे, मैं जस्ट निकलूँगा और आज मैं दिखाऊँगा आपको डे टू का क्या एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, आज क्या क्या होता है ओरिएंटेशन क्लास में। अभी जस्ट चाय पी के मैं निकलता हूँ, मेट्रो लेते हैं हम, फिर दिखाता हूँ मैं। आज डे टू में शायद थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि न्यू टीचर आएंगे। कल जो टीचर आए थे वो चेंज, मतलब 15 डेज़ न्यू टीचर आएंगे डेली। तो देखते हैं आज का क्या रहता है, स्टे ट्यून, देखते रहना आप, बहुत मज़ा आने वाला। तो भाई फाइनली मैं निकल गया हूँ वापस, आज ओरिएंटेशन डे टू, देखते हैं आज का एक्सपीरियंस क्या होता है। फाइनली भाई मेट्रो पे आ गए हैं, पर यार मेट्रो नहीं मिली आप, लेट ना हो जाऊँ मैं, आज लेट नहीं होऊंगा शायद, मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। बस मेट्रो बैठते हैं फिर चलते हैं। इतना मस्त लग रहा सनराइज, इंदर लोग आ गए हम। अब यहाँ से मेट्रो चेंज करनी है पीतमपुरा के लिए, सही टाइम पे पहुँच गया आज, मैं लेट नहीं हुआ बिल्कुल भी। मेट्रो भी आ रही है सामने से, द्वारका मेरे दोस्त रहते हैं। आ गए फाइनली हम भाई सेंटर पे, आज का दिन थोड़ा सा देखते हैं कैसा है, कल का तो बहुत थकाने वाला था। और भैया पहचानते थे मेरे को, MKG में हो ना, 2019 सबसे पहले पहुँचे हम लोग, एक्सेप्शन 1 और 2 अब आ रहे हैं सर। कैसा लग रहा है तेरे को अभी, आज का कैसा लग रहा है भाई? सुनो बाजी नहीं है, डॉक्टर नहीं खेल रहा, मजा नहीं खेल रहा भाई, अभी गेम चला रहे हैं हम तो, आउट हो गए पर मजा नहीं आया बाकी का। तू बता कैसा लग रहा है? बेसिकली हमारा ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक से पहले का लेक्चर तो वैसे तो बोरिंग सा था, पता नहीं कुछ भी करवा रहे थे कुछ भी। और ये दो लोग मिले मेरे को यहाँ पे, आपका नाम? मुस्कान, तृप्ति। और इसका रिव्यू करो, अच्छा कैसा था आज का? पहले बैग अच्छा था आज का, ठीक था ना? तू बता, ये कल से भी क्या गुजरा था? सच में मैं तो नींद में था, ये कल से भी क्या गुजरा था? आज ना पूरे लेक्चर में सो रहा था मैं, बहुत एक्टिव आया था कि भाई कुछ होगा कुछ होगा, मैं नशे में आई था लेक्चर में, नशे में आती हूं मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज कराएंगे वो तो सुना गया मुझे, कपिल को जानते हो? कपिल को लाइव कभी नहीं हो रहे हां, वो कोडेड वाले बाबू से भी बिल्कुल सारा कुछ जानता हूं मैं, वही सोच रहा था भाई शुरू में, तक पहले बार देखा था कि वही है, बाकी अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद। भाई ब्रेक से पहले तो यार बिल्कुल बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बार बार वही पूछ रहे तुम नींद में हो, तुम नींद में हो, तुम नींद में हो, भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग लेक्चर लग रहा था ब्रेक से पहले का। अब थोड़ा सा क्या पता इंटरेस्टिंग हो जाए। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वॉइस वॉशरूम है, एमरजेंसी गेट देखना तो दिखाता हूँ, ये वॉइस वॉशरूम है और ये हमारा एमरजेंसी गेट है, लड़कियों को भागना होगा तो क्या करेंगे भाई? खोल के दिखा, तो वॉशरूम करा लड़का, खोल के दिखा दिखा, ये देखो भाई एमरजेंसी गेट है, ये आप देख रहे हो कितनी गहरा, ये एकदम से बंदा गिर जाए और अंदर का पार्ट भी। भाई बॉयज वॉशरूम में क्यों है एमरजेंसी गेट? तो भाई अब हमारा हो गया लंच ब्रेक, अभी लंच करा हमने, लंच में क्या था, कड़ी चावल और रोटी, ये था सिस्टम। बाकी का हाँ, बाकी पता है हमें लग रहा था टी ब्रेक से पहले पहले लेक्चर बहुत बोरिंग था, बट टी ब्रेक के बाद भाई लेक्चर बहुत अच्छा था भाई, हम फैकल्टी को ऐसे ही मान लेते हैं। हाँ, बट फैकल्टी ने बहुत तगड़ा बताया कि प्रैक्टिस के बारे में बताया कि प्रैक्टिस जरूरी है, क्यों है, जॉब का क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, प्रैक्टिस के क्या फायदे हैं, मतलब बढ़िया था। मतलब हम सोचते थे किसी ये बिजनेस नहीं कर सकते, पर इन्होंने साफ लॉजिक बताया कि बिजनेस हम कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हैं थ्रू आर्टिकलशिप हमें उस वे में चूज करनी पड़ती है जिससे हमें आगे फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ वो चीज़ें, मतलब मैं जो सोचता था मैं वो चेंज भी करी सारी चीज़ें, मैं ये भी कर सकता हूँ। और हम कल तक सोच रहे थे जैसा पहला लेक्चर ना कि ऐसे यहाँ पे टाइम पास होगा कुछ होगा नहीं सीखने का, पर आज था। बाकी ये नज़ारा यहाँ का, ये मेट्रो है सामने यहीं से, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन। हाँ, तो भाई लेक्चर तो हमारा ख़त्म हो गया और आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, टी ब्रेक के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लगी, स्टेट्स ऑडिट के बारे में कि जॉब करनी चाहिए हमें या फिर जॉब करनी चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, तो मतलब पहले जो नॉलेज थी उससे बहुत ज़्यादा पता लगा चीज़ों के बारे में, अच्छा था। मतलब आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जॉब और प्रैक्टिस करनी चाहिए किस बारे में, इतना अच्छा नज़ारा आ रहा है।